नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। पहले नाप समझ लेते हैं। लंबाई है 13.5 इंच, सीना है 34 इंच और आस्तीन है 4 इंच, मोरी है 5.5 इंच और कमर है 28 इंच। ये देखिए हमारी ब्लाउज की टुकड़ी है। इस तरीके से कपड़े टुकड़ी को लेकर 80 सेंटीमीटर में हम हाफ ब्लाउज अच्छे से बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, जिस तरीके से हमने फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम चलो इसमें आपको निशान लगाना बताएंगे और किस तरीके से सिंपल ब्लाउज की कटिंग की जाती है, तो उस तरीके से हम आपको भी समझाते हैं। ये देखिए, इस कपड़े को इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि इस पे कैसे निशान लगाते हैं। ये देखिए, 2 इंच का निशान पहले मैंने लगाया हुआ है नीचे के लिए। अब इस जो एक्स्ट्रा होता है, अब इसको हम नाप लेते हैं। 13.5 इंच है हमारा, तो इसमें हम मैंने रखा है 14 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। 13.5 इंच रखा था, अब 14 इंच मैंने रखा। अब ये हम लगा रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा और सीने में। सीने के लिए अब हमारा होता है 34, 34 का आधा 17 और 17 का आधा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 5.5 इंच का निशान इस तरीके से। अब हमको इसमें ये 2.5 इंच का निशान और लगाना है। ये है हमारे गले के लिए। गले में अब हम इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच। ये देखिए, मैं 6 इंच की लंबाई ले रही हूँ गले में, जो आगे के हिस्से में हमें रखनी है 6 इंच की। ये है, और बराबर से रख के हमें काट लेना। अब हम इधर कंधे के लिए भी निशान लगाएंगे 6.25 इंच का। ये देखिए, मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। आपको भी 6.25 इंच लगा लेना है। इस तरीके से बराबर की और लाइन खींच लेनी है बराबर से। ये मैंने खींची है, इस तरीके से लाइन खींचनी है आपको। और ये बराबर से एक सीधी और लाइन खींचना है आपको। फिर इसमें हम निशान लगाएंगे गुलाई के लिए निशान। तो पहले हम गले में लगाएंगे 0.5 इंच और फिर हम इस पे गुलाई का शेप देंगे। इस तरीके से आपको भी गुलाई का शेप देना है। और गले इसमें मोड़े में हमें लगाना है 1 इंच का। इस तरीके से ये 1 इंच का हमें लगाना है इसमें। अब इसमें भी हमें गुलाई देनी होगी। इस तरीके से आप भी गुलाई दीजिएगा। और यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए यहाँ पे मिला देंगे। अब हम प्लेटों पे चलते हैं। ये देखिए, 9.5 इंच पे हम पहले प्लेट डालते हैं। ये इस तरीके से ये हमने एक प्लेट लगाई हुई है। अब हम इसी तरीके से 1.5 इंच पे दूसरी भी प्लेट इस एरो को बनाएंगे। इस एरो पे बना के 1.5 इंच का निशान अब हमें और लगाना है दूसरी प्लेट के लिए। इस तरीके से जो नीचे जाएगी उस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जो सीधी लाइन होती है इस तरीके से, ये जो सीधी जाएगी नीचे की ओर इस तरीके से। दोस्तों, मेरी थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई, आप कृपया ध्यान दें कि इसको हमें सीधा ही रखना है। अब दूसरा जो हम प्लेट पे निशान लगाना है, वो भी हमें 1.5 इंच की ही लगानी है। ये इस तरीके से, जिस तरीके से ये आएगी, ये भी हमें तिरछा ही जाना है। ये इस तरीके से नीचे की ओर ये जाएगी, जो दूसरी लगाएंगे वो ऊपर की साइड जाएगी 1.5 इंच पे। तो अब हमें इसमें इस तरीके से मैं बनाना है कि गोल गोल टाइप का शेप आ जाए। ये अब हम लगाएंगे। ये अभी हम 1 इंच नाप घटा रहे हैं ऊपर से लाके। सीने से हम नीचे डायरेक्ट कमर पे डायरेक्ट 1 इंच हमें घटाना है इधर, और आधा आधा इंच हमें प्लेट के पास से घटाना होगा। हमारा है सीना 34 इंच और कमर हमारी 28 इंच, तो इस तरीके से हमें घटाना है। अब हम 6 इंच हमें घटाने हैं, तो आधा आधा इंच मैंने ये एरो बनाए हुए हैं, तो आधा आधा इंच इसमें जाएगा। तो 1 इंच इस तरीके से घटेगा, और 1 इंच मैंने इधर पहले भी आपको दिखा दिया है किस तरीके से 1 इंच घटाना है। ये है
इसमें से आधा आधा इंच जाएगा, तो ये यानी कि इधर हमारा घट जाएगा 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, 4 इंच लगभग और 2 इंच आगे भागों में घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंच पीछे के भाग में कटेगा। ये देखिए अब हम गले की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आपको भी काट लेना है कपड़ा, और इस तरीके से ये अब हम इसमें अब हम सीधे से कपड़ा काट लेंगे, जिस तरीके से हमने चौक का निशान लगाया हुआ है इस तरीके से। और इसमें हम कट इसलिए कट भी लगा लेंगे कि जिस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमें इसी लाइन पे हमें प्लेटें डालनी हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने सारी प्लेटों पे कट लगा लिया है, जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से आपको भी लगा लेनी होगी, और आप चाहें तो इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ भी निशान लगा सकते हैं। ऐसे बराबर रख के लगा लीजिए, छप जाते हैं इसमें, थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, तो आप भी इनको डार्क कर लेना है आपको, बस इस तरीके से। ये देखिए और वो कट लगे होते हैं तो आपको कट से खुद पता हो जाएगा कि हमें दूसरी साइड पे भी इसी पे निशान लगाना है। ये देखिए मेरे दूसरी तरफ भी छप चुका है, तो इसलिए मैंने इस पे चौक दोबारा से लगा दी है, जिससे हमें अच्छे से सिलने में आसानी रहे, दिखाई दे। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो हम इसमें अब पीछे का भाग निकालेंगे। जो पीछे का भाग होता है वो थोड़ा सा हमें आधा इंच छोटा रखना होगा, क्योंकि बड़ा मतलब अभी ये मुड्ढे हैं, मुड्ढे में आधा इंच हमें बढ़ा के काटना होगा। ये देखिए इस तरीके से आपको काट लेना है। और आप पीछे का गला अगर जैसे भी आप रखना चाहें, छोटा बड़ा, मैंने 7 इंच का रखा है, आप अगर 7 इंच का रखना चाहें तो 7 का रख सकते हैं, 8 का रखना चाहें तो 8 का रख सकते हैं। इस तरीके से उसकी लंबाई नाप लें और उसी तरीके से आप निशान लगाएं। अब 2-2 इंच हमें पीछे भाग में भी घटाने होंगे, जिस तरीके जो एक्स्ट्रा होता है उसके लिए हमें निशान लगाना होगा। देखिए मैंने भी लगा लिया है, आपको भी लगाना है। और अब 4 इंच पे हमें नीचे प्लेटें डालनी है, दोनों साइड में, इधर भी और उधर भी 4 इंच, और इसकी लंबाई रहेगी 5 इंच की। ये देखिए मैं 5 इंच पे रख के निशान लगाने के लिए जा रही हूँ। पॉइंट बना लीजिए, जिससे ऊपर पॉइंट बना लीजिए और उसी पॉइंट नीचे से पॉइंट को ऊपर पॉइंट में मिला देना है। इस तरीके से आपकी प्लेट बन जाए। और इसमें भी हमें आधा आधा इंच दोनों तरफ से घटाना होगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी, तिरछी सिलाई चलानी होगी। और ये देखिए अब हमें गला काट रहे हैं अपना, आप भी इस पे गला काट लीजिएगा इस तरीके से, इस तरीके से काटने की जिससे आपके गले में गुलाई आ जाए। ये देखिए अभी हमारा गला कट चुका है, अभी हम आपको बचे हुए कपड़े से आस्तीन काटने की तरीके बताते हैं। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा हमें छोड़ना होगा, 1.5 इंच मैंने 1.5 इंच रखा है, आप भी 1.5 इंच रख लीजिएगा। ये देखिए दोनों साइड से नाप लें, जिससे हमारा कम और ज़्यादा ना हो। ये तुरपाई के लिए होगा, और ये हमारी लंबाई है 4.5 इंच, हमें 4 इंच रखना है, तो आधा इंच तो सिलने में चला जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से हमें नाप लेना है इस तरीके से। अब हम आपको निशान, अब हमारी मोरी रहेंगी 5.5 रहेंगी, 6.5 पे निशान लगाया, ये हमने तिरछा निशान लगाया है, जिससे हम 1.5 इंच का निशान हमने तिरछा लगाया हुआ है, आपको भी लगाना। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें भी हमने 2.5 इंच का निशान लगाएंगे हम, ये 2.5 इंच बचा हुआ है। अब हमें शोल्डर नाप लेने होंगे कि हमें 8 इंच का शोल्डर हमारा आ जाएगा या नहीं आएगा, तो इस तरीके से हमें गुलाई देनी होगी इसमें भी, ऐसे इस तरीके से गुलाई देने के बाद में, और गुलाई देनी है, और अब हमें इसको काट देना होगा। अब हम जो मोहरियाँ होंगी आस्तीन की, उसे हमें फिटिंग देने के लिए निशान लगाना है इस तरीके से। एरो बना लीजिए दोनों साइड में इस तरीके से, ये जैसे मैंने बनाया है। अब आपको भी काट लेना है
इस तरीके से काटने के बाद में ये है देखिए, और इसको तिरछे जैसे चौका निशान लगा उसी तरीके से आपको काटना है। ये देखिए मैंने भी काट लिया है, और आप भी ऐसी ही वीडियो देख के काटना है आपको भी। ये हमारी आस्तीनें कट के तैयार हो चुकी हैं, और अब 1 इंच हमें आगे के लिए घटाना होगा गुलाई से। इस तरीके से हमें 1 इंच घटा देना, और लगाते समय ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा जो घटाया हुआ 1.5 इंच या 1 इंच भी जो भी है, इसको हमें आगे के ही साइड में लगाना है। अभी हमारे बचे हुए कपड़े से हम पट्टियाँ निकालते हैं जो ब्लाउज में लगती हैं बटन, और उसके लिए काज बनाने के लिए। ये देखिए मैंने पट्टियाँ काट ली हैं, अभी ये बचे हुए कपड़े से पाइपिंग के लिए पाइपिंग निकालनी है हमको। इस तरीके से आप भी काट लेना। इस ये देखिए इसमें 4 पट्टियाँ निकलेंगी, और 4 पट्टियों में हमारी गले की पाइपिंग है जो पूरे अच्छे से तैयार हो सकती है। अगर कम पड़े तो बचे हुए कपड़े से हम और भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है तिरछा, तो आप भी लगा लेना इस तरीके से लगा के, जिससे हमें पाइपिंग के लिए तिरछी डिजाइन तरीके से हमें पट्टी निकल आए। इस तरीके से इसमें 4 निकलती हैं, तो आप भी निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा ब्लाउज है, कब ब्लाउज का भाग आगे का भाग है, ये हमारे पीछे का भाग है, और ये हमारी आस्तीनें हैं जो बन के तैयार हो चुकी हैं। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना होगा तुरपाई के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धन्यवाद।